आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है धन निष्कासन के साधन और परिणाम। तो आज हम धन निष्कासन के साधन और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने जो है 1857 की राज्य क्रांति, उसके स्वरूप, कारण, परिणाम की जानकारी जो हमने प्राप्त की थी कि किस प्रकार भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 10 मई 1857 को क्या कर दी थी, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को सैन्य शक्ति के बल पर दमन कर दिया था, लेकिन फिर भी यह क्रांति भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित कर गई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपनी सैन्य नीति में बदलाव किया था और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि कर दी थी और अनेक सैनिक छावनियां उन्होंने स्थापित कर ली थी ताकि अगर विद्रोह उन्हें होता है तो तत्काल उसको दबाया जा सके। इसके अलावा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का उन्होंने क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। इसके पश्चात हमने जो टॉपिक किया था पिछले वीडियो में वो था अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जिसे कि जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों के अंतर्गत क्या किया था, रेत वाली प्रथा को प्रचलित किया था और इसके साथ ही महल वाली बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति को लागू करने का जो उद्देश्य है एक ही था कि जो भारत का धन है वो अधिक से अधिक कहाँ पहुँचाना, इंग्लैंड पहुँचाना था और भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना रहा था। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाया था और इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो धन निष्कासन के रूप में जो था भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाया गया था, जिससे कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई थी और जिसके कारण भारत का क्या हुआ, आर्थिक विनाश हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, भारत में धन का निष्कासन, उसके क्या साधन थे और इसके क्या परिणाम निकले। इस प्रकार धन निष्कासन से जो तात्पर्य है, धन निष्कासन से तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड जाता था, जो कि भारत से इंग्लैंड जाता था परंतु उसके बदले में भारत को क्या है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। अर्थात इस प्रकार धन निष्कासन से क्या तात्पर्य है, धन निष्कासन से तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड को जाता था परंतु उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो ये धन जो निष्कासन है वो दो प्रकार से, धन जो है दो प्रकार से इंग्लैंड में भेजा जाता था। नंबर एक तो है मुद्रा के रूप में और नंबर दो है पदार्थों के रूप में। यह जो धन है भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था वो अंग्रेज दो रूपों में भेजते थे, नंबर एक मुद्रा के रूप में और नंबर दो है पदार्थों के रूप में। तो यह धन निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में तो कम और वस्तुओं के व्यापार के रूप में क्या होता था, अधिक होता था। अंग्रेज भारत से जितना धन वसूल करते थे उससे क्या करते थे, वस्तुएं खरीद कर बाहर भेज देते थे और भारत को उन वस्तुओं के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यह धन निष्कासन अनेक रूपों में किया गया था, जैसे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवार को भेजा गया धन या फिर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को
इंग्लैंड भेजना। भारत सरकार तथा अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को खरीदना और भारत में रेलों तथा सार्वजनिक ऋण के रूप में ब्याज और मूलधन चुकाना जो था इसमें शामिल था। तो जो धन भारत से निष्कासित हो जाता था वही धन वापस आ जाता था, किस रूप में? सार्वजनिक ऋण के रूप में वापस भारत आ जाता था, जिन्हें चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था? ब्याज सहित धन निष्कासन करना पड़ता था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का जो धन निष्कासन है इंग्लैंड की ओर हस्तांतरित किया था। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपने धन निष्कासन के मुख्य साधन क्या थे? तो धन निष्कासन के मुख्य साधन निम्नलिखित थे। पहला था अंग्रेजी कंपनी की लूट, दूसरा है अंग्रेज कंपनी द्वारा भारत में व्यापार, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, चौथा है होम चार्जेज, जिसमें होम चार्जेज में क्या आता था? रेलों में लगी हुई पूंजी का एक तो ब्याज आता था, इसके अलावा सुरक्षा सेवाओं पर जो व्यय किया जाता था वो आता था, इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों की पेंशनें, भत्ते की राशि, ये सब होम चार्जेज में आती थी। इसके अलावा रेल निर्माण और अन्य साधन भी थे जिसके कारण भारत का जो धन है वो इंग्लैंड पहुंचाया जाता था। जैसे भारत से अफीम का चीन को निर्यात किया जाता था और जो लाभ प्राप्त होता था इससे वो कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड भेजा जाता था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में लूटमार शुरू की और भारत का अधिक से अधिक जो धन था वो इंग्लैंड की ओर क्या किया? हस्तांतरित किया था। अब इसको धन निष्कासन के साधन को संक्षेप में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या था? अंग्रेज कंपनी की लूट शुरू हो गई थी प्लासी के युद्ध के पश्चात। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला लड़ता हुआ पराजित हुआ था और मारा गया था और अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे थे और बंगाल का नवाब मीर कासिम पराजित हो गया था। और इस प्रकार प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर लिया था और जो शासन है वो मजबूती से स्थापित करना उन्होंने भारत में शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज कंपनी की लूट प्रारंभ हो गई थी भारत में प्लासी के युद्ध के पश्चात। तो कंपनी ने क्या किया था? अपनी इच्छा अनुसार भारतीय नरेशों को गद्दी पर बिठाया और उसे विपुल मात्रा में धनराशि वसूल की। तो प्लासी के विजय के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कंपनी को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए थे। तो प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने कंपनी को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए थे। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध के साथ ही अंग्रेजों की जो लूट थी वो भारत में क्या हो गई थी? प्रारंभ हो चुकी थी। अतः इन्होंने अधिक से अधिक जो धन है वो भारत से इंग्लैंड की ओर क्या किया? हस्तांतरित कर दिया था। तो इस प्रकार प्लासी युद्ध में मीर जाफर से 3 करोड़ रुपए प्राप्त किया और जो कि कंपनी को दिया गया था मीर जाफर के द्वारा। तो दूसरा है अंग्रेज कंपनी द्वारा व्यापार किया जाना। अंग्रेज कंपनी द्वारा व्यापार किया जाना दूसरा साधन था धन निष्कासन का। तो अंग्रेज कंपनी ने भारत के व्यापार पर क्या कर दिया? नियंत्रण स्थापित कर दिया और अधिक से अधिक जो धन है वो भारत से इंग्लैंड की ओर हस्तांतरित किया था। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। तो भारत में होने वाले युद्धों
और ब्रिटिश शासन से संबंधित जो भी व्यय होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भारतीय ऋण कहा जाता था। और भारत से जो धन इंग्लैंड को भेजा जाता था वही क्या होता था? भारत से जो धन इंग्लैंड भेजा जाता था वही जो ऋण है, जो पैसा है, वो पुनः भारत में आ जाता था। किस रूप में? सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः वो भारत में आ जाता था। तो इस ऋण पर ब्याज के साथ चुकाना पड़ता था भारतीयों को। तो इस प्रकार जो है भारत से धन इंग्लैंड को जाता था वही सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत में आ जाता था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया था, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती चली गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है होम चार्जे। होम चार्जे जो है धन निष्कासन का एक मुख्य साधन माना गया था। और होम चार्जे जो है दो नंबर में अक्सर पूछा भी जाता है परीक्षा के अंदर। तो होम चार्जेज में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि होम चार्जेज में रेलों में लगी हुई पूंजी का ब्याज, रेलों में लगी हुई पूंजी का ब्याज, सुरक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय, अंग्रेज अधिकारियों की पेंशनें, भत्ते की राशि, इसके अलावा जो है इसमें क्या था, साल को कर भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासनिक खर्च, क्या था? भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासनिक खर्च जो है वो होम चार्जेस के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार होम चार्जेस के द्वारा अंग्रेजों ने जो भारत का जो धन था वो इंग्लैंड की ओर स्थानांतरित किया था, और बदले में इससे भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। नेक्स्ट है रेल निर्माण और अन्य साधन। भारत में रेलों के निर्माण के लिए अंग्रेज पूंजीपतियों को अत्यधिक लाभ पर दिए गए ठेके, जिससे जो भारत का धन है वो इंग्लैंड पहुंचाया गया। इसके अलावा भारत से अफीम का चीन को निर्यात किया गया था। भारत से अफीम का चीन को निर्यात किया गया और जो लाभ प्राप्त होता था वो इंग्लैंड की ओर भेज दिया जाता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का जो धन है इंग्लैंड की ओर पहुंचाया तथा धन निष्कासन किया गया। प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त ने कहा भी है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से शोषण किया है तथा देश को निर्धनता के गर्त में धकेला है, उसका जो उदाहरण है अन्यत्र और कहीं मिलना कठिन है। अर्थात भारत में अतुल धन संपत्ति थी, लेकिन अंग्रेजों ने लूट मार के द्वारा भारत को क्या बना दिया, एक गरीब देश बनाकर रख छोड़ा था। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इससे लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, कृषि का विनाश होने लगा था, और इसके कारण जो भारत में क्या होगी, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ती चली गई थी। तो यही कारण है कि रमेश चंद्र दत्त ने टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से शोषण किया था और देश को निर्धनता के गर्त में धकेला था, इसका जो उदाहरण है अन्यत्र और कहीं मिलना कठिन है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों का जमकर क्या किया, आर्थिक शोषण किया, और यह जो शोषण है प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो चुका था। इसी प्रकार इतिहासकारों ने बताया कि सन 1757 से लेकर 1857 की अवधि में लगभग 15 करोड़ पौंड लगभग 15 करोड़ पौंड मूल्य के जो साधनों का जो है निष्कासन भारत से इंग्लैंड की ओर किया गया था। 1757 से 1857 के मध्य क्या किया गया था, इस अवधि में लगभग 15 करोड़ पौंड मूल्य के साधनों का निष्कासन किया गया था भारत से इंग्लैंड में। तो इस प्रकार धन निष्कासन का अर्थ और उसके साधन को स्पष्ट करने के बाद अब हम चलते हैं धन निष्कासन के साथ जो साधन थे उसके क्या परिणाम रहे, अर्थात भारत से जो धन इंग्लैंड गया उसका क्या परिणाम निकला, और इसके अलावा जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत को गरीब बनाया था।
तो उसकी अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे धन निष्कासन के परिणाम के अंतर्गत। धन निष्कासन के परिणाम और इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत को गरीब बनाया, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वो है वस्त्र उद्योग का पतन हो गया था, इसके अलावा लघु कुटीर उद्योग समाप्त हो गए थे, ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति, लूट का प्रारंभ, दस्तक प्रथा, लगान में वृद्धि, किसानों की दुर्दशा, भारत का नव औद्योगिकरण, कृषि का विकास, यातायात के साधनों का विकास या भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार, करों का बोझ और किसानों या मजदूरों की शोचनीय स्थिति। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत को गरीब बना छोड़ा था। तो इसमें क्या है, भारत का आर्थिक शोषण जो है वो ब्रिटिश सरकार का शासन का एक कलंकपूर्ण अध्याय माना गया है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व जो भारत की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा भी है कि यह भारत का एक अथाह गड्ढा है, इसमें संसार का अधिकांश सोना चांदी यहाँ आकर अनेक रास्तों से जमा होता है, जिससे बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं मिलता था। अपनी दो यात्राओं के दौरान उसने बंगाल के संबंध में यह ज्ञान प्राप्त किया और कहा कि मुझे यह विश्वास है कि भारत जो है मिश्र से भी अधिक धनी देश है, परंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद से ही भारत की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और भारत में लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए और देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि बढ़ गए थे। तो इस प्रकार धन निष्कासन के परिणाम या ब्रिटिश शासन ने भारत को गरीब बनाया, उसका जो संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है वस्त्र उद्योग का पतन। तो ब्रिटिश शासन काल में भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हुआ था। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत का वस्त्र उद्योग जो कि उन्नत अवस्था में था, परंतु ब्रिटिश शासन काल में यह पूर्णतः नष्ट हो गया। जुलाहों को अंग्रेजी कंपनियों के कारखानों में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कच्चा माल कम कीमत पर अंग्रेजों द्वारा खरीदा जाता था, इससे भारत को काफी नुकसान होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान नहीं किया और अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहे। इंग्लैंड की मिलों में बने वस्त्रों को भारत में बेचकर ऊंची कीमत पर अंग्रेजों द्वारा इसे बेचा जाता था, जिससे अंग्रेज तो धन संपन्न होते चले गए और जो भारत में गरीबी भूखमरी बढ़ती चली गई थी। नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योग धंधों का क्या किया विनाश अंग्रेजों ने। तो धन निष्कासन के कारण ही भारत से जो कच्चा माल था वो सस्ती दरों पर जाता था ब्रिटेन, इंग्लैंड में, और ऊंची कीमतों पर इसे भारत के बाजारों में बेचा जाता था। परिणाम स्वरूप भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए और विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने यह टिक नहीं पाए, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति। तो ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति के कारण भी भारत में लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो प्रमुख लक्ष्य क्या था, भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना रहा था। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण वहां की मिलों में कम कीमत पर अधिक कपड़ा क्या हो रहा था, उत्पादित होने लगा था। इंग्लैंड की मिलों में अधिक कपड़ा उत्पादित होने लगा था। मशीनों द्वारा निर्मित कपड़ा एक तो सस्ता होता था और सुंदर, जबकि गृह उद्योगों में बना कपड़ा महंगा होता था। इसके कारण मशीनों द्वारा निर्मित कपड़े के मुकाबले में भारतीय कपड़े टिक नहीं पाए और भारत का वस्त्र उद्योग क्या हो गया, चौपट। अंग्रेजों ने भारत के औद्योगिक विकास में भी कोई विशेष रुचि ली ही नहीं थी। जो जो भारत के लघु उद्योग धंधे नष्ट होते गए, जो जो इंग्लैंड का औद्योगिक विकास होता चला गया। लॉर्ड रोजी के समय बंदरगाहों की सुविधा में काफी वृद्धि हुई
और इंग्लैंड का जो माल था आसानी से भारत में पहुंच गया, इसके कारण भारत का जो व्यापार वाणिज्य था वो चौपट होने लगा था। नेक्स्ट है लूट का प्रारंभ। तो प्लासी की विजय के साथ ही अंग्रेजों की जो है भारत में लूट का क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। प्लासी के विजय के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल में काफी लूट मार की। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को लगभग 3 करोड़ रुपया दिया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों की जो लूट थी वो प्लासी के युद्ध के साथ ही प्रारंभ हो गई थी और उन्होंने भारत का जो धन है वो इंग्लैंड की ओर स्थानांतरित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है दस्तक प्रथा। नेक्स्ट है दस्तक प्रथा, जो एक इनको फ्री पास की अनुमति मिली हुई दी हुई थी अंग्रेजों को, उसका इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। तो धन लूटने का एक अन्य साधन था दस्तक प्रथा। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी क्या करते थे, अपने निजी व्यापार में दस्तकों यानी फ्री पास का प्रयोग करते थे और माल को चुंगी से करवा लेते थे मुक्त। इन्होंने अंग्रेजों ने फरुखसियर से 3,000 वार्षिक कर के बदले में भारत में निःशुल्क व्यापार करने की छूट इन्होंने प्राप्त कर ली थी, लेकिन इन्होंने इस दस्तक प्रथा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। इससे बंगाल के राजकोष को भारी हानि उठानी पड़ी थी और दस्तक प्रथा के कारण ही जो देशी व्यापार व्यवस्था थी वो चौपट हो चुकी थी। तो ब्रिटिश सरकार किसानों से क्या करती थी, अधिक से अधिक लगान वसूल करने लगी थी। तो नेक्स्ट है दस्तक प्रथा के बाद लगान वृद्धि। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार किसानों से अधिक लगान वसूल करती थी। अकाल पड़ने पर भी किसानों से कठोरता पूर्वक लगान लिया जाता था। अंग्रेजी सरकार ने लगान की व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, 3 बुरायत्सव व्यवस्थाएं शुरू की थी। एक स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी प्रथा और मेहरबारी व्यवस्था रेतवारी व्यवस्था और मेहरबारी व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व के नीतियों के चलते स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी व्यवस्था और मेहरबारी व्यवस्थाएं शुरू की। तो इन भू राजस्व व्यवस्थाओं को शुरू करने का जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो क्या था, अधिक से अधिक लगान वसूल करना किसानों से और भारत का जो धन है इंग्लैंड की ओर क्या करना, हस्तांतरित करना था। तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ क्या थी, दोषपूर्ण थी और इससे भारत का जमकर क्या हुआ, आर्थिक शोषण किया गया था। नेक्स्ट है किसानों की दुर्दशा। तो धन निष्कासन का जो परिणाम था वो किसानों की दुर्दशा भी रहा था, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता था, और लगान चुकाने के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और अपनी जमीन साहूकारों को गिरवी रखनी पड़ती थी, लेकिन ऋण न चुकाने पर उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। इसके कारण किसानों में भूखमरी और गरीबी क्या थी, बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट है भारत का नव उद्योगीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने के कारण भारत में उद्योगीकरण का युग शुरू हुआ, जिसके कारण भारत में लोहा, वस्त्र, पटसन, कागज, सीमेंट, चीनी और चमड़े की बनी जो वस्तुएं थी उनके उद्योग क्या किए गए, भारत में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है कृषि का विकास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय कृषि के प्रति उदासीन रही थी। 1880 में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी और प्रांतों में कृषि उद्योग खोल दिए गए थे। 1883 में भूमि सुधार विधेयक और 1883 में कृषि ऋण विधेयक पारित करवाए गए थे। इसी तरह 1903 में पूना में केंद्रीय कृषि अनुसंधान की स्थापना करवाई गई थी और 1905 में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड और 1908 में पूना में कृषि कॉलेज की स्थापना की गई।
परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा। नेक्स्ट है यातायात के साधनों का प्रचार प्रसार। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों को विकसित किए। लॉर्ड लोजी के शासनकाल में भारत में जो रेल निर्माण कार्य शुरू हुआ वो लॉर्ड कर्जन के समय इसमें रेल के निर्माण में काफी तेजी आई और रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में लगभग 28,150 मील लंबी रेलवे लाइन का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार भारत में क्या था, रेलों के निर्माण में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है भारत में विदेशी पूंजी का क्या था, एकाधिकार, क्योंकि अब अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए थे और अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत के व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया था। नेक्स्ट है करों का बोझ। तो इस प्रकार अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीति के कारण जो लगान थे किसानों पर बढ़ा दिए गए थे, जिसके कारण उनकी जो दशा थी वो दिन प्रतिदिन खराब थी। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा किसानों व मजदूरों की दशा वो भी क्या हो रही थी, दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, परंतु अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य जो था वो भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना रहा था। अंग्रेजों की आर्थिक स्वार्थ, आर्थिक दोषपूर्ण स्वार्थ की नीति के कारण ही जो भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधे थे वो तो होते चले गए नष्ट, और अंग्रेजों के उद्योग धंधे जो थे वो विकसित होते चले गए, जिसके कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये सब कुछ क्या हो गया था, बढ़ने लगा था। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को क्या बनाया था, गरीब बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना था। तो यही कारण है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत की आर्थिक दशा काफ़ी खराब थी। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक हमारा वो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।